Welcome back. In the first segment of this show, you heard the voices of the people of India. Let's hear now from the ruling Bharatiya Janta Party. BJP MP Naresh Bansal, in the just concluded monsoon session, had demanded that India be dropped from the constitution altogether and instead only the

मतलब सतहत्तर साल से तो हम अपने आप को इंडियंस बोल रहे हैं और भारतीय भी बोल रहे हैं अगर दोनों बोलते रहे तो उसमें दिक्कत क्या है मैंने चेंज के लिए बिल्कुल नहीं कहा मैंने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में जो उल्लेख है प्रम्बल में इंडिया दैट इज भारत उसमें से इंडिया दैट इज हटना चाहिए भारत था भारत है भारत रहेगा मैंने बदलने के लिए कुछ नहीं कहा है केवल जो गुलामी की मानसिकता का शब्द है 200-300 साल से मिला है उसको हटाने के लिए मैंने पार्लियामेंट में विशेष उल्लेख में कहा है क्योंकि भारत हजारों वर्षों से है हमारे उत्थान पतन दोनों का प्रतीक है हमारे इतिहास को समेटे हुए है हमारी संस्कृति को समेटे हुए है भारत हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है गुलामी का प्रतीक इंडिया हटना चाहिए ये 200-300 साल में अंग्रेजों ने दिया जो अपने होटलों में लिख कर रखते थे इंडियंस आर नॉट अलाउड कितना अपमानजनक था ये तो मैंने केवल इसको हटाने की बात की है मैंने कुछ बदलने की बात नहीं की है लेकिन पिछले 77 साल से तो हम सब ये कहते हैं ना वी आर प्राउड टू बी इंडियंस प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्किल इंडिया प्रोग्राम लाए खेलो इंडिया प्रोग्राम लाए इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम लाए मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया है तो इंडिया शब्द से इतनी चिड़ क्यों? जैसे इंडिया और भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई करते हैं वो हमारी जबान में और हमारे दिलों में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या विश्व में कोई देश ऐसा है जिसके दो नाम हैं? क्या कोई देश ऐसा है जिसके नाम का दूसरे भाषा में कुछ और ट्रांसलेशन हो सकता है फिर भारत के साथ ही ऐसा क्यों कोई चिड़ नहीं है किसी से लेकिन अपनापन का स्वाभिमान ये आवश्यक है इसके लिए मैंने ये स्पेशल मेंशन विशेष उल्लेख के अंतर्गत सरकार से ये निवेदन किया था और सरकार ने बहुत सारे काम मेरे निवेदन करने से पहले किए हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया कि अगले 25 वर्षों में अमृतकाल में देश को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपने गौरवशाली इतिहास के साथ एकजुट होकर चलना है कर्तव्य की भावना से चलना है गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है और मेरे ये प्रश्न करने से पहले बहुत सारे काम हुए हमारी संसद में हमारा बजट 28 फरवरी को अंग्रेज़ों के काल से आता था शाम को पाँच बजे मोदी जी के आने के बाद वो कार्यकाल बदल करके उसका एक फरवरी को ग्यारह बजे आने लगा इसी प्रकार से राजपथ का नाम बदलकर पथ हुआ इंडिया गेट पर गुलाबी का प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर तुम मुझे आज़ादी दो मैं तु, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कहकर नौजवानों को मातृभूमि के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित की गई इलाहाबाद का नाम बदल करके के प्रयागराज हुआ इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी संस्कृति के लिए अपने उसके लिए क्या क्या नहीं हुआ मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हुआ कि नहीं हुआ बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई हुआ कि नहीं हुआ कोलकाता का नाम बदलकर कोलकाता हुआ कि नहीं हुआ बेंगलोरु का बेंगलोरु का नाम बदलकर बेंगलुरु हुआ कि नहीं हुआ औरंगजेब रोड का नाम बदलकर मोदी जी के कार्यकाल में हमारे मिजाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर हुआ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो देश के गौरव को बढ़ाने वाली देश के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाली हुई है इसलिए हमको चिड़ किसी से नहीं है पर अपने अपने स्वाभिमान को गंवा करके अब ये भारत नहीं रहेगा भारत अगले 25 वर्षों में प्रगति करेगा तो देश बढ़ेगा अपने निज गौरव निज स्वाभिमान से नहीं देश तो बढ़ी रहा है आप उसे भारत बोले या इंडिया बोले देश तो बढ़ी रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आप जिस पिटिशन की बात कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं एक ऐसी ही पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन पूरी तरह से डिसमिस कर दी थी और ये बोला था कि आर्टिकल वन जरा पढ़ लीजिए आर्टिकल वन बड़ी क्लियरली बोलता है इंडिया दैट इज भारत तो इंडिया का नाम पहले से ही भारत है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस कर रहा है तो आप इस पर आग क्यों लगा रहे हैं नहीं हम इसलिए कर रहे हैं कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भारत है उसको छोड़कर इंडिया बोलने का सवाल नहीं है सरकार संविधान भी सरकार संशोधन करेगी तो बहुत अच्छा है नहीं तो आज भारत की जनता अपने आप इंडिया शब्द छोड़ रही है भारत स्वीकार कर रही है भारत ये लेकिन पूछना उनसे चाहता हूं जिनको कहीं पर अगर इंडिया नहीं है भारत आ गया तो उनको खलबली क्यों मच जाती है उनको जवाब देना चाहिए भारत की जनता को नहीं ऐसा है बंसल साहब भारत की जनता तो अभी हमारे शो पे बोल रही थी और ऐसा नहीं है कि सब भारत की बैटिंग कर रहे हैं कुछ लोगों को इंडिया शब्द भी पसंद है तो आप पूरी भारत की जनता के बिहाव पे मत बोलिए लेकिन ऑपोजिशन चलिए बात करते हैं क्या बोल रही है? ये बोल रही रही है है ये कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल घबरा गया है इंडिया अलायंस से क्योंकि यूनाइटेड ऑपोजिशन मजबूत हो रही है उसका नाम इंडिया है तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि इंडिया नाम का शब्द कहीं रहे ही ना मुझे बताओ गुलामी की मानसिकता की इतनी चीज़ें परिवर्तित हुई जब 2022 में लाल किले के प्राचीर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला तब इंडिया गठबंधन कहाँ था जब राजपथ का नाम पथ हुआ तब कोई गठबंधन था क्या जब संसद का बजट सत्र 28 फरवरी को 5 बजे के बजाय 1 फरवरी को 11 बजे हुआ तब कोई गठबंधन था क्या हमने इस अमृत काल में पुरानी संसद को भी बदल करके नई संसद में बदला है तो नए कलेवर में नया भारत बदलता भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत यशस्वी भारत सुरक्षित भारत ममतामय भारत समतामय भारत समरस भारत इस भारत का निर्माण करना है तो युवा शक्ति को कुछ प्रेरक चीज़ें चाहिए बंसल जी बहुत लोग करेंगे कि अगर आप इंडियन रेलवे का उदाहरण लें क्योंकि आप कलोनियल बैगेज की बात कर रहे हैं तो मैं इंडियन रेलवे को लेकर आ रही हूँ इंडियन रेलवे का जो पहला ट्रैक था वो एक ब्रिटिशर ऑथर कैन कॉटन है उन्होंने ले किया था तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय रेलवे जो है देन है ब्रिटिशर्स की स्थापना उन्होंने की थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की देन है हम उसको हटा दें पूरे इंडियन रेलवे को हटा दें ये कहां का लॉजिक है खैर आखिरी सवाल पिछले सतहत्तर साल से हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन तो क्या बंसल जी आर यू नॉट प्राउड टू बी इंडियन आप ये कह रहे हैं आई एम प्राउड टू बी भारत भारतीय यू आर नॉट प्राउड टू बी इंडियन Okay. Okay, Bansalji, we leave it there for the moment. Thank you very much for joining us and uh, giving your side of the story on the logic and the reasoning behind why, in the monsoon session, you had asked for the word India to be dropped from the constitution of India. It may not happen. The government certainly is not giving us any indication that it will do it. But, anyhow, the debate is underway. Meanwhile, ladies.